भगवान बद्री विशाल के नित्य अभिषेक में प्रयोग किए जाने वाला तिलों का तेल कलश यात्रा ने आज डिम्बर गांव से बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर लिया। डिम्बी धार्मिक पंचायत के अध्यक्ष आशुतोष डिम्बी ने बताया कि 11 मई को तेल कलश यात्रा बद्रीनाथ धाम पहुंचेगी और 12 मई को कपाट खुलने पर तेल कलश को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। पहले चरण के तहत 28 अप्रैल को डिमरी पुजारियों के मूल ग्राम डिमर गाड़ू घोड़ा पहुंचा था। आज दूसरे चरण के तहत श्री नरेश किरार दरबार से डिमर पहुंचा था। दूसरे चरण के तहत डिमर में लक्ष्मीनारायण मंदिर में विशेष पूजन अर्चन के उपरांत बद्रीनाथ धाम गाड़ू घोड़ा प्रस्थान कर गया है। आज के रात्रि विश्राम ये विभिन्न पड़ावों से कर्णप्रयाग, लंगासु, उमट्टा, पाकी, जयकंडी और ये पीपल कोटी होते हुए पाकी रात्रि विश्राम करेगा। जोशीमठ पांडुकेश्वर होते 11 मई को बद्रीनाथ धाम पहुंचेगा। जैसे ही 12 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे, कपाट खुलने के साथ ही भगवान बद्री विशाल के गर्भगृह में डिमरी पुजारियों के द्वारा इस तेल कलश को स्थापित कर दिया जाएगा और 6 महीने यात्रा काल के दौरान प्रधान अर्चक रावल जी के द्वारा भगवान का जब अभिषेक होगा उस अभिषेक पूजा में इसी गाड़ू घड़े में भरा हुआ तिलों का तेल भगवान की पूजा में प्रयुक्त होगा।